द ऑरेस्ट्रिया ट्रिलॉजी को लिखने वाले एस्केलस है, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजिडीज के नाम से भी जाना जाता है। द ऑरेस्ट्रिया ट्रिलॉजी में 3 किताबें हैं, अगामेमनॉन, द लिबेशन बियरर्स, द यूमिनिडीज। अगामेमनॉन में अगामेमनॉन के मर्डर जिसे करने वाले क्लाइटिमेनेस्ट्रा है, द लिबेशन बियरर में क्लाइटिमेनेस्ट्रा का मर्डर जिसे करने वाले ऑरेस्टस है, और यूमिनिडीज में ऑरेस्टस के ट्रायल के बारे में बताया गया है। द ऑरेस्ट्रा ट्रिलॉजी को जो है वो फर्स्ट प्राइज मिला था द डायोनिसिया फेस्टिवल 458 BC में। द थीबियन ट्रायोलॉजी जिसे लिखने वाले सोफोकलस है, इसमें 3 किताबें हैं, एडिपस रेक्स जिसे एडिपस टायरेनस या फिर एडिपस द किंग बोलते हैं, दूसरा बुक है एडिपस एट कोलोनस और तीसरा बुक है एंटेगॉन। इन तीनों के तीनों बुक में बताया गया है थेब्स जो कि एक जगह है उसके किस्मत के बारे में कि जब एडिपस किंग एडिपस उस समय राज करते थे, साथ ही साथ किंग एडिपस की मौत के बाद उस जगह थेब्स का क्या हाल होता है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी जिसे नारायण ट्रायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, वह आर के नारायण जिनका पूरा नाम हो गया राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी के द्वारा लिखा गया है, जिसकी कहानी उन्हीं के द्वारा बनाई गई एक फिक्शनल टाउन मालगुड़ी में है। इसमें पहले बुक है हमारा स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि पब्लिश हुआ था 1935 में, दूसरा बुक है द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो पब्लिश हुआ था 1937 में, और तीसरा बुक है द इंग्लिश टीचर जो कि पब्लिश हुआ था 1945 में। इन तीनों बुक का कलेक्शन है। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है, तो स्वामी बीए पास करके इंग्लिश टीचर बन गया। शिवा ट्रायोलॉजी जिसे लिखने वाले अमित त्रिपाठी है, इसमें 3 बुक के बारे में बताया गया है, द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा जो 2010 में आया था, जिसमें मेलुहा नाम के एक जगह के बारे में बताया गया है जहां के लोगों को यह विश्वास है कि शिवा जो नीलकंठ है उन्हें बचाने आएंगे। दूसरा बुक है हमारा द सीक्रेट ऑफ नागास जो 2011 में आया था, इसमें क्या होता है एक बंजारा शिवा नाम का आता है और लोगों को युद्ध से बचाता है। तीसरा बुक है ओथ ऑफ वायुपुत्रास जो कि 2013 में आया था, और इस किताब में जो है वशिवा जंग का ऐलान करता है बुरी शक्तियों और बुरी ताकत के खिलाफ, जिसमें राजा दक्ष और दिलीप रहते हैं जिन्हें कंट्रोल करने वाले साधु भृगु रहते हैं। शिवा ट्रायोलॉजी को याद करने का ट्रिक है इमॉर्टल बनने का सीक्रेट वायुपुत्र के पास है, तो पहले बुक का इमॉर्टल, दूसरे बुक का सीक्रेट और तीसरे बुक का वायुपुत्रास, इसी से हमारा शिवा ट्रायोलॉजी का ट्रिक बनता है। अफ्रीकन डिक्टेटरशिप ट्रायोलॉजी जिसे लिखने वाले नरुद्दीन फराह है, इसमें 3 किताबें हैं, स्वीट एंड सोर मिल्क पब्लिश हुआ 1979 में, सार्डाइनस जो कि पब्लिश हुआ 1981 में, और क्लोज सीस में जो कि पब्लिश हुआ 1983 में। इसे याद करने का तरीका क्या हो गया, तो SSC, एस से स्वीट, एस से सार्डाइनस और सी से क्लोज। ब्लड इन द सन ट्रिलॉजी जिसे लिखने वाले नरुद्दीन फराह है, जो कि एक सोमाली नॉवलिस्ट है, उसमें 3 किताबों के बारे में बताया गया है। पहला है हमारा मैप्स 1986 में पब्लिश होने वाला, दूसरा है हमारा गिफ्ट 1993 में पब्लिश होने वाला, और तीसरा है हमारा सीक्रेट्स 1998 में पब्लिश होने वाला। इस पूरे के पूरे ट्रिलॉजी में एक बच्चे के बारे में और उनके माता पिता के बारे में बात किया गया है। ब्लड इन द सन ट्रिलॉजी को याद करने का ट्रिक है कि मुझे एक मैप मिला है जिसमें गिफ्ट जाने का पहुंचने का सीक्रेट रास्ता है। पास्ट इम्परफेक्ट ट्रिलॉजी जिसे लिखने वाले नूरुद्दीन फराह है, इसमें 3 किताबें हैं, लिंक्स जो कि पब्लिश हुआ 2003 में, नॉट्स जो कि पब्लिश हुआ 2007 में, और क्रॉसबोन्स जो कि पब्लिश हुआ 2011 में। इसे याद करने का ट्रिक है लिंक नॉट बोन्स, तो पहले वर्क का लिंक, दूसरे वर्क का नॉट और तीसरे वर्क का बोन्स, इन तीनों को मिलाकर के हमारा पास्ट इम्परफेक्ट ट्रिलॉजी का ट्रिक बनता है। द यूएसए ट्रिलॉजी जिसे लिखने वाले जॉन डॉस पर्सोस है, वह एक अमेरिकन राइटर है। द यूएसए ट्रिलॉजी में हमारे 3 बुक्स है, द 42nd पैरेलल्स जो कि 1930 में पब्लिश हुआ है, 1919 जो कि हमारा 1932 में पब्लिश हुआ है, और द बिग मनी जो कि हमारा 1936 में पब्लिश हुआ है। अब इसे याद करने का ट्रिक हो गया कि 42 साल पहले 1999 में मनी मिला। द फेमिस्ड रोड ट्रिलॉजी जिसे लिखने वाले बेन ओकरी है, जो कि एक नाइजेरियन पोएट है। द फेमिस्ड रोड ट्रिलॉजी में हमारा 3 बुक आता है, जिसमें पहला बुक है द फेमिस्ड रोड 1991 में पब्लिश होने वाला, सॉन्ग्स ऑफ इंचेंटमेंट 1993 में पब्लिश होने वाला, और इनफिनाइट रिच 1998 में पब्लिश होने वाला।
तो हमारा फेमिस्ट रोड ट्रिलॉजी में ये तीनों के तीनों बुक है। अब इसे याद करने का ट्रिक है फेमिस्ट इंचेंटमेंट फॉर रिचेस, मतलब धन के लिए आकर्षण। टू द एंड ऑफ द अर्थ एक क्लासिकल सी ट्रिलॉजी है जिसे लिखने वाले विलियम गोल्डिंग है। इसमें तीन किताबें हैं, राइट्स ऑफ पैसेज जो कि पब्लिश हुआ हमारा 1980 में, क्लोज क्वार्टर्स जो कि पब्लिश हुआ 1987 में, और फायर डाउन बिलो जो कि पब्लिश हुआ 1989 में। इसे याद करने का ट्रिक है राइट्स क्लोज डाउन। द कोस्ट ऑफ यूटोपिया ट्रिलॉजी को लिखने वाले टॉम स्टपर्ड है जो कि एक ब्रिटिश प्लेराइट है। इसमें तीन किताबें हैं, वॉयज, शिपरेक और सैलवेज। वॉयज का मतलब होता है समुद्र यात्रा, शिपरेक का मतलब होता है कि किसी समुद्र में जहाज का टूट जाना, और सैलवेज का मतलब होता है कुछ बचा कुचा मिल जाना। तो इसमें याद करने का ट्रिक हो गया कि कोई एक व्यक्ति जो है वह वॉयज समुद्र यात्रा पे गया है जिसमें उसका शिपरेक हो जाता है, जहाज टूट जाता है, लेकिन जहाज टूट जाने के बाद भी उसका सैलवेज होता है, मतलब कुछ बचा कुचा हिस्सा उसे मिल जाता है। द बीलवड ट्रिलॉजी जो कि टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है, इसमें तीन किताबें हैं, बीलवड जो कि पब्लिश हुआ 1987 में, जैज जो कि 1992 में, और पैराडाइज जो कि पब्लिश हुआ 1998 में। अब इसे याद करने का ट्रिक क्या है, तो बीजेपी, पहले बुक का बी, दूसरे बुक का जे और तीसरे बुक का पी। द अफ्रीकन ट्रिलॉजी जिसे लिखने वाले चिनुआ एचेबे है, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर भी माना जाता है, उसमें तीन बुक्स है जो कि हमारे हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट पब्लिश हुआ 1958 में, नो लॉन्गर एट ईज जो कि पब्लिश हुआ 1960 में, और एरो ऑफ गॉड जो कि पब्लिश हुआ 1964 में। इसे याद करने का ट्रिक हो गया थिंग्स लॉन्गर एट गॉड, मतलब चीजें भगवान के पास लंबे समय तक रहती है। एंटोन चेकोव का एक ट्रिलॉजी है जिसमें तीन शॉर्ट स्टोरीज है, द मैन इन अ केस, गूसबेरीज और अबाउट लव, और तीनों के तीनों बुक जो है वह 1898 में पब्लिश हुए थे। इसे याद करने का तरीका है मैंस गूसबेरी लव, मतलब एक आदमी जिसका प्यार जो है वो गूसबेरी के प्रति अत्यधिक है। एंटोन चेकोव जो है वह एक रशियन प्लेराइट भी है। द नोवा ट्रिलॉजी और द कट अप ट्रिलॉजी जिसे लिखने वाले विलियम एस बुरोग है, जो कि एक अमेरिकन राइटर है। इस ट्रिलॉजी में तीन किताबें हैं, द सॉफ्ट मशीन जो कि पब्लिश हुआ 1961 में, द टिकट दैट एक्सप्लोड्स जो कि पब्लिश हुआ 1962 में, और द नोवा एक्सप्रेस जो कि पब्लिश हुआ 1964 में। इसे याद करने का ट्रिक है सॉफ्ट, टिकट, एक्सप्रेस। द डेप्थफोर्ड ट्रिलॉजी जिसे लिखने वाले रॉबर्टसन डेविस है, जो कि एक कैनेडियन नॉवलिस्ट, प्ले राइट, क्रिटिक, जर्नलिस्ट और प्रोफेसर है। उनके द्वारा लिखी गई द डेप्थफोर्ड ट्रिलॉजी में तीन किताबें हैं, फिफ्थ बिजनेस जो कि पब्लिश हुआ 1970 में, द मैंटिक्योर जो कि पब्लिश हो गया 1972 में, और वर्ल्ड ऑफ वंडर्स जो कि पब्लिश हुआ 1975 में। इसे याद करने का ट्रिक है फिफ्थ मैंटिकोर वर्ल्ड। द न्यूयॉर्क ट्रिलॉजी जिसे लिखने वाले पॉल ऑस्टर है, उसमें तीन किताबें हैं, सिटी ऑफ ग्लास जो कि पब्लिश हुआ 1985 में, घोस्ट जो कि पब्लिश हुआ 1986 में, और द लॉक्ड रूम जो कि पब्लिश हुआ 1986 में। इसे याद करने का तरीका है सिटी इन अ घोस्ट रूम। बॉर्डर ट्रिलॉजी जिसे लिखने वाले कॉर्मैक मैकार्थी है, वह एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है। बॉर्डर ट्रिलॉजी में तीन किताबें हैं, ऑल द प्रिटी हॉर्सेस पब्लिश 1992, द क्रॉसिंग पब्लिश 1994, और सिटीज ऑफ द प्लेन पब्लिश 1998। इस ट्रिलॉजी की सेटिंग मेक्सिको और टेक्सास है। इसे याद करने का तरीका है ऑल क्रॉसिंग प्लेन। मुल्कराज आनंद ट्रिलॉजी, इसमें तीन किताबें हैं, पहला द विलेज जो कि पब्लिश हुआ 1939 में, दूसरा है अक्रॉस द ब्लैक वाटर जो कि पब्लिश हुआ 1939 में, और तीसरा बुक है द स्वॉर्ड एंड द सिकल जो कि हमारा पब्लिश हुआ 1942 में। इसे याद करने का ट्रिक है वॉस
VASS, V से विलेज, A से क्रॉस और S और S से स्वॉर्ड एंड सिकल। द रोड टू फ्रीडम ट्रिलॉजी को लिखने वाले जीन पॉल सार्ट्रे है, जो कि एक फ्रेंच प्लेराइट, नॉवलिस्ट और स्क्रीन राइटर है। द रोड टू फ्रीडम ट्रिलॉजी में 3 किताबें हैं, द एज ऑफ रीजन पब्लिश 1945, द रिप्राइव पब्लिश 1945 और आयरन इन द सोल, जिसे ट्रबल्ड स्लीप भी बोलते हैं, पब्लिश 1949। इसे याद करने का तरीका है एज, रिप्राइव, सोल। मार्गरेट ड्रेबल्स ट्रिलॉजी। मार्गरेट ड्रेबल्स के बारे में बात किया जाए तो वह एक इंग्लिश नॉवलिस्ट है, बायोग्राफर है और क्रिटिक है। मार्गरेट ड्रेबल्स के ट्रिलॉजी में 3 किताबें हैं, द रेडियंट वे पब्लिश्ड इन 1987, अ नेचुरल क्यूरियोसिटी पब्लिश्ड इन 1989, द गेट्स ऑफ एवरी पब्लिश्ड इन 1991। इन तीनों के तीनों किताब में कुछ महिलाओं के बारे में बात किया गया है जो कि कैम्ब्रिज में मिलती है 1950s के समय में। इसे याद करने का तरीका है रेडियंट नेचुरल गेट्स। द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ट्रिलॉजी, जिसे लिखने वाली एवलिन बॉग है, इसमें उन्हीं के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस बताया गया है। एवलिन बॉग एक इंग्लिश राइटर और नॉवलिस्ट है। उनके 3 बुक्स हैं, स्वॉर्ड्स ऑफ ह्यूमर, ऑफिसर्स एंड जेंटलमैन और अनकंडीशनल सरेंडर। इसे याद करने का ट्रिक है SOU, S से स्वॉर्ड्स, O से ऑफिसर्स और C से अनकंडीशनल। सैमुअल बेकेट ट्रिलॉजी में 3 किताबें हैं। अगर हम बात करें सैमुअल बेकेट के बारे में तो वह एक 20th century आयरिश राइटर, नॉवलिस्ट, प्ले राइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, थिएटर डायरेक्टर, पोएट और लिटरेरी ट्रांसलेटर है। सैमुअल बेकेट के ट्रिलॉजी में 3 किताबें हैं, मॉलॉय जो कि 1951 में पब्लिश हुआ, मलोन डाइस जो कि 1958 में पब्लिश हुआ और द अननेमेबल जो कि 1960 में पब्लिश हुआ। ये तीनों के तीनों वर्क जो है वह शुरुआत में फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था लेकिन इसे बाद में ट्रांसलेट किया गया था। इसे याद करने का ट्रिक है मलोय डाइस अननेमेबल। हिज डार्क मटेरियल ट्रिलॉजी, जिसे लिखने वाले फिलिप पुलमैन है, वह एक इंग्लिश राइटर है। हिज डार्क मटेरियल ट्रिलॉजी जो है वह पैराडाइज लॉस्ट पे ही मॉडल्ड है। इसमें 3 किताबें हैं, नॉर्थन लाइट्स पब्लिश्ड 1995, द सबटल नाइफ पब्लिश्ड 1997 और द एम्बर स्पाई ग्लासेस पब्लिश 2000। इसे याद करने का तरीका है लाइट्स, नाइफ, स्पाई ग्लास। हिलेरी मेंटेल, जिनका जन्म 6 जुलाई 1952 में हुआ था और उनका डेथ जो है वह रिसेंटली 22 सितंबर 2022 में हुआ है, वह एक ब्रिटिश राइटर है। इनके जितने भी वर्क है वह हिस्टोरिकल फिक्शन, पर्सनल मेमोर और शॉर्ट स्टोरीज है। उनकी पहली नॉवल एवरीडे इज मदर्स डे थी जो कि 1985 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने 12 नॉवल्स लिखा था, उनका 2 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी आया था। इनको 2 बार बुकर प्राइज मिला था। पहला मिला था 2009 में उनकी नॉवल वुल्फ हॉल में, जिसमें थॉमस क्रॉमवेल के बारे में बताया गया है कि कैसे वह हेनरी 8 के टाइम में उन्हें पावर मिली थी। और दूसरा बुकर प्राइज जो है वह उन्हें उसी के सीक्वल ब्रिंग अप द बॉडीज जो कि 2012 में आया था। और इसका तीसरा बुक था द मिरर एंड द लाइट। यह तीनों की बुक जो कि हमारी है, वुल्फ हॉल, ब्रिंग अप द बॉडीज और द मिरर एंड द लाइट जो है वह हेनरी मेंटेल की ट्रिलॉजी बुक कहलाती है, जिसमें थॉमस क्रॉमवेल के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से बताया गया है। आर्नोल्ड वेस्कर ने द वेस्कर ट्रिलॉजी लिखी है, जिसमें 3 किताबें हैं, चिकन सूप इन बार्ली, रूट्स और आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलम। इसे याद करने का तरीका है कि मुझे चिकन सूप चाहिए जिसमें रूट्स जेरूसलम के मिले हुए हो, क्योंकि उसमें विस्की मिला हुआ होता है, विस्की से वेस्कर। अगर हम बात करें इस ट्रिलॉजी के बारे में तो यह फर्स्ट टाइम जो है वो बेलग्रेड थिएटर में परफॉर्म किया गया था 1958 से 1960 के टाइम में, और पूरा का पूरा जो है इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन 1963 में हुआ था। पीटर एक्रॉयड एक इंग्लिश बायोग्राफर, नॉवलिस्ट और क्रिटिक है। उन्होंने बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी है लिखी, जिसे याद करने का तरीका है पीटर एक्रॉयड जैको TGT का एग्जाम दिलवाने वेस्ट बंगाल ले गए। यहाँ पे जैक से जे से हो गया J.M. टर्नर, ई से हो गया एज्रा पॉन्ड, सी से हो गया चार्ल्स डिकेंस, TGT से हो गया हमारा थॉमस मूर, जॉफ्रे चौसर, T.S. एलियट और WW जिसे हम वेस्ट बंगाल बोल रहे थे, उसमें से पहला W विलियम ब्लेक और दूसरा W विलियम शेक्सपियर के लिए। तो इन सारे लोगों की बायोग्राफीज पीटर एक्रॉयड ने लिखी है। नजीम महफूज एक
इजिप्शियन नॉवलिस्ट और नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने कियारो ट्रिलॉजी लिखी है, जिसमें एक परिवार की रोजमर्रा जिंदगी के बारे में बताया गया है जो कभी भी नहीं खत्म होती। इसमें तीन किताबें हैं, पैलेस वॉक पब्लिश्ड 1956, पैलेस ऑफ डिजायर पब्लिश्ड 1957 और शुगर स्ट्रीट पब्लिश्ड 1957। इसे याद करने का ट्रिक है वॉक डिजायर स्ट्रीट। ओहियो ट्रिलॉजी, जिसे द अवेकनिंग लैंड ट्रिलॉजी भी कहा जाता है, उसे लिखने वाले कॉनरेड रिस्टर है, जो कि एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है, और इनकी इस ट्रिलॉजी को पुलित्जर प्राइज मिला था 1951 में। इस ट्रिलॉजी में तीन किताबें हैं, द ट्रीज पब्लिश्ड 1940, द फील्ड पब्लिश्ड 1946 और द टाउन पब्लिश्ड 1950। इसे याद करने का ट्रिक है TFT। मरीन ट्रिलॉजी, जिसे लिखने वाले एलन रिचर्ड है, वह एक वेल्स नॉवलिस्ट है। मरीन ट्रिलॉजी में तीन किताबें लिखने का सोचा गया था, हालांकि उनका जो यह वर्क जो है वह एक अनफिनिश्ड वर्क है और उनका तीसरा बुक जो है वह कंप्लीट नहीं हुआ था। इसके दो बुक्स है, एनल्स पॉइंट्स पब्लिश 1977 और वार्क्यू विस्पर पब्लिश 1979। इसे याद करने का ट्रिक है एनल्स विस्पर। आर्थेरियन ट्रिलॉजी, जिसे लिखने वाले एडविन रॉबिन्सन है। अगर हम एडविन रॉबिन्सन के बारे में बात करें तो वह एक अमेरिकन पोएट है। उन्हें पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री मिला है 3 बार और उन्हें 4 बार जो है वह नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। आर्थेरियन ट्रिलॉजी जो है वह लेजेंडरी किंग आर्थर के बारे में बताती है। इसमें तीन किताबें हैं, मर्लिन पब्लिश्ड 1970, लेंसिलॉट पब्लिश्ड 1920 और ट्रिस्ट्रैम पब्लिश्ड 1927। इसे याद करने का ट्रिक है MLT। एम से मर्लिन, एल से लेंसिलॉट और टी से ट्रिस्ट्रैम। वॉलेंस्टीन ट्रिलॉजी, जिसे लिखने वाले फ्रेडरिच स्किलर है, वह एक जर्मन प्लेराइट पोएट और फिलोसोफर है। इसमें तीन किताबें हैं, वॉलेंस्टीन कैंप पब्लिश्ड 1917-8, डाई पिकिलो मिनी पब्लिश्ड 1800 और वॉलेंस्टीन डेथ पब्लिश्ड 1799। इसे याद करने का ट्रिक है वॉलेंस्टीन डाई डेथ। फॉरेस्ट रीड, जो कि एक नॉर्थर्न आयरिश नॉवलिस्ट है, उन्होंने टॉम बार्बर ट्रिलॉजी लिखी है। यह ट्रिलॉजी फॉरेस्ट रीड की मैग्नम ओपस कहलाती है, जिसके प्रीफेस को E.M. फॉस्टर ने लिखा था। इसमें तीन किताबें हैं, अंकल स्टीफन पब्लिश्ड 1931, द रिट्रीट और द मशीनेशन ऑफ हेनरी पब्लिश्ड 1936, यंग टॉम और वेरी मिक्स कंपनी पब्लिश 1944। इस बात को याद रखना है कि फॉरेस्ट रीड की जो यंग टॉम है उसे 1944 में जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज मिला था। इसे याद करने का ट्रिक है स्टीफन रिट्रीट टॉम। लियो वांसले ने एक ट्रिलॉजी लिखी, जिसमें मछुआरों और उनके परिवार के बारे में बताया गया है। इसकी सेटिंग नॉर्थ यॉर्कशायर कोस्ट में रखी गई है। लियो वांसले जो है वह एक इंग्लिश राइटर है और उनकी ट्रिलॉजी में थ्री फीवर पब्लिश 1932, फैंटम लॉबस्टर पब्लिश 1933 और सैली लन पब्लिश 1937। इसे याद करने का ट्रिक है थ्री फैंटम सैली या फिर TPS। मार्टिन मैकडॉन्स, जो कि एक ब्रिटिश आयरिश प्ले राइट है, स्क्रीन राइटर है, प्रोड्यूसर है और साथ ही साथ डायरेक्टर है। उन्होंने एरन ट्रिलॉजी लिखी है, जिसमें तीन किताबें हैं, द क्रिपल ऑफ आयरिश मान पब्लिश 1997, द ल्यूटिनेंट ऑफ इनिशमूर पब्लिश 2001 और द बैंसीज ऑफ इनिशियर पब्लिश 2022। इसे याद करने का ट्रिक है क्लब CLUB क्लब, तो सी से क्रिपल, एल से ल्यूटिनेंट और बी से बैंसीज। यू जो है ऐसे एडिशन के लिए रख दिया जा रहा है ताकि ट्रिक आसानी से याद हो सके। एनी एरनॉक्स, जिन्हें 2022 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है, साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों की उजागर करती है। फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विथ विच शी अनकवर्स द रूट्स एस्ट्रेंजमेंट एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी। अगर हम बात करें एनी एरनॉक्स के बारे में तो वह एक फ्रेंच राइटर है और प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर है। इनके जितने भी सारे वर्क्स हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल है, जो बेसिकली सोशियोलॉजी से संबंधित रखती है।
इनके कुछ बुक्स का नाम है क्लीन आउट पब्लिश 1974, शेम पब्लिश 1997, हैपनिंग पब्लिश 2000, गेटिंग लॉस्ट पब्लिश 2001 और द इयर्स पब्लिश 2008। शेहान करुणा तिलक एक श्रीलंकन बॉर्न राइटर है जिनकी पहली बुक थी चीनामन द लेजेंड ऑफ प्रदीप मैथ्यू जो कि पब्लिश हुई थी 2010 में और इसे 2012 में कॉमनवेल्थ बुकर प्राइज मिला और उसी साल इन्हें DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर भी मिला। इन्हें रिसेंटली अक्टूबर 17, 2022 में इनके द्वारा लिखी गई नॉवल द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए बुकर प्राइज मिला था जिसकी कवरेज लेने के लिए BBC न्यूज चैनल और BBC वर्ल्ड न्यूज ब्रॉडकास्ट भी आए थे। अगर हम इस बुक की कहानी के बारे में बात करें तो यह कहानी जो है वह एक वार फोटोग्राफर के बारे में बताता है जिसकी मौत जो है वह श्रीलंकन सिविल वॉर में हुई थी और किस प्रकार से उसकी जो आत्मा है उसके चाहने वालों के पास आती है और उस फोटोग्राफर ने जितनी भी अपने फोटोज की कलेक्शन छिपाई थी जो कि एक तरीके से उसका मास्टरपीस थी उसके बारे में बताती है। जॉर्ज मेरेडिथ एक इंग्लिश नॉवलिस्ट है और विक्टोरियन एरा के एक पोएट है। उनका एक सोनेट सीक्वेंस आया था जिसका नाम है मॉडर्न लव जो कि पब्लिश हुआ था 1862 में। इसमें 50 सोनेट्स की कलेक्शन है जिसमें वह अपनी पहली शादी के असफलता के बारे में बात करते हैं जहां उनकी वाइफ मैरी एलन जो कि थॉमस लव पिकॉक की बेटी होती है वह जॉर्ज मेरेडिथ को एक पेंटर जिसका नाम हेनरी वैलिस होता है उसके लिए छोड़ के चली जाती है।